नो डाउट दिल्ली के फूडीज बन रहे हैं हम उनमें से यार, तो काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट, नो डाउट इतने कम पैसों में इतना अच्छी चीज़ मिलना नामुमकिन है दिल्ली में। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं कुलचे छोले बहुत ही अमेजिंग बनाते हैं यार, मैं एक बार खा के कहते हैं इनके पास आता रहता हूँ, यहाँ पर 10 बजे से शाम को 4 बजे तक लगाते हैं, इनकी लोकेशन है और नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको दशरथपुरी का गेट नंबर 1, और बहुत ही लोग हमें इंजॉय कर रहे हैं इनके कुलचे छोले, तो चलते हैं देखते हैं इनके कैसे कुलचे छोले हैं। अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम भी हरपाल है। हरपाल भाई, अच्छा चलिए हम एक प्लेट लगा के दिखाइए कैसा है। सो भैया आप बताएं, आप आपकी शॉप कितना पुरानी शॉप है? भैया 15 साल पहले भाई लगाता था, उसके बाद मैंने लगाया। अच्छा अच्छा 15 साल पुरानी है। उन्होंने छोले डाल दिए उसमें ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर धनिया डाल दिया, हेलो भाई इसमें टमाटर डाल दिए, क्या टैलेंट है आप तो भाई काट रहे हैं। छोले होंगे बना रहे 2 मिनट डाल रहे हैं, चटनी वाले कितने टाइम लगेगा ना? बस 2 मिनट दिए। क्या डाल रहे भाई? चटनी हरी चटनी हरी चटनी हरी चटनी डाल के चटनी में पानी डाल क्या और आओ कुछ छोले बनेंगे इधर, मैं थोड़ा लेट आया हूँ यहाँ पर, इनके पास बहुत मन होती है ये भी बटर में बनाता है, बहुत एक प्लेट पैक कर दो मिनट डाल के बाद में बात कर ली क्या, पैक कर देना मेरे को। ये कितने प्लेट का होगा भैया? ये लगभग होगा 25 25 प्लेट के करीब इनको बना रहे हैं, कम से कम 25 प्लेट बनेगी इसमें। दो चार नींबू डालने के लिए भी डाल दे भाई। आओ एक मग में पानी देना, आओ एक
पानी मग में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा थोड़ा सा। ये हो गए रेडी छोले, अब इसको इस बाउल में निकाल लेता है। मेरा नाम पुलकित है वैसे, मैं पहली बार आया था अपने भैया के साथ, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करा था, तो नो डाउट मैं तो खा के दिल्ली के फूडीज बन रहे हैं हम उनमें से, तो खा के अच्छा लगा टेस्ट नो डाउट, इतने कम पैसों में इतना अच्छी चीज़ मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है दिल्ली में। तो बहुत टाइम से आ रहा मैं, तो मैं आना चाहता हूँ, 3 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ, जब से भैया लगा रहे हैं बच्चे, तो उनको बहुत साल हो गए बता रहे थे, हमारी तो चलते रहे। उसमें डाला इन्होंने बटर और ऑयल का मिक्सचर, पूरी डाली प्याज, पनीर इसको क्या करके रही है, इसमें जो मिक्सचर है इसको टेस्ट बढ़ रहा है, इसमें जो इसमें मिक्सचर है इसको होल्ड करके एक तरह से, इनके कुलचे भी थोड़े अलग है, देखिए कितना बड़ा कुलचा है। तो ये एक प्लेट में कितने आते थे, तीन आते हैं, एक प्लेट में 3 पीस देते हैं। उसकी फिलिंग बनाई इन्होंने, कुलचों के अंदर डालते हैं, तो कम से कम 3 कुलचे देते हैं एक प्लेट में। कितने रुपए की प्लेट है ये, 30 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए की 3 कुलचे, 40 के भी 3 कुलचे, 50 के भी 3 कुलचे, 50 के भी 3 कुलचे, मतलब उसमें क्या बढ़ जाए कुछ, पनीर वगैरह एक्स्ट्रा, बटर एक्स्ट्रा। अच्छा पनीर बटर एक्स्ट्रा डाल जाएगा ये चीज़ है, नॉर्मल पूरी प्लेन है। अच्छा ये 30 वाली बन रही है, थोड़ा सा इन्होंने ये पैक कर दिया, गाड़ी कट गया लीडर बीटरूट चकुंदर जो इसमें बीटरूट बहुत ही अमेजिंग लगता है दिखने में यार। भाई दे रहा हूँ यार 2 मिनट। मैं एक पीस मिला दे छोले भाई को देंगे, ये भाई प्लेट लगा लगा के हमें देगा।
ये आ गई हमारी प्लेट, इसके ऊपर ही रख दो। सो हमारे सामने कुलचे छोले आ चुके हैं और अब इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करी है, इन्होंने ऊपर से जिंजर डाल रखी है, बीटरूट, चकुंदर डाल रखा है जूलियन करा हुआ, और धनिया है, प्याज है और खीरा है, हरी मिर्च है, और इस पर भी अच्छे से इन्होंने पनीर वनीर डाल रखा है। तो टेस्ट करके देखते हैं। सो लुक तो अमेजिंग हो रखी है वॉच, इसमें लुकिंग तो बहुत अमेजिंग। और ये देखिए मेरे इसको छोलों के साथ मैं लगा के खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोलों से वही टेस्ट दे रहे हैं ये। मसाले अच्छे से इन्होंने बता रखे हैं कि मसाले अच्छे से आ रखे हैं इसमें। बढ़िया टेस्ट है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोलों से। धनिया होना चाहिए, जिंजर होनी चाहिए, जिंजर के साथ भी अच्छे लगता है फ्लेवर छोलों का। बहुत बढ़िया टेस्ट है। हाय दोस्तों, मैं कुमार और मैं अपने दोस्तों के साथ पहली बार आया हूँ, तो इन्होंने बोला है कि काफ़ी फेमस है ये काफ़ी, लेट्स ट्राई कि कैसा बनता है। कह रहे कि कम पैसों में अच्छी चीज़ मिलेगी खाने को, तो लेट्स सी। थैंक यू।